बीजेपी सरकार 100 दिन पूरण उपलक्षे पूरी सरदाबाली रे आरंभ होईछि भव्य कार्यक्रम। उपमुख्यमंत्री प्रभाती पैडा कहिछंती मोदी ग्यारंटी रे जहां लेखिछु सबु पूरण कराजिबो। महिलांकु शक्तिशाली करिबा पई सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। गाँव रे भित्तिभूमि विकसित हेबो। गाँव लोकंक पाखकु योजनार सुफल पहुंचेबा पई प्रशासनिक अधिकारी माने जिबे। मध्यस्थी व्यवस्था उठिबो। मोदी योजना और मोहन सरकार प्रतिबद्धता को नहीं डबल इंजन सरकार चलिबो। आसिला बेले मोदी ग्यारंटी जहां थिला चारि द्वार खोलिबु खोलिलु, रत्नभंडार खोलिबु कहिथिलु खोलिलु, सुभद्रा योजना दबु कहिथिलु देलु। आज जाए जगन्नाथंक भित्तिभूमिर विकास करिबा पई प्रभुंकर केही केबे अर्थ देइ नथिले। आम सरकार प्रथम थर करी 500 कोटी टंकार व्यवस्था कला। ओडिशारे अस्मिता को नहीं जन संतोष थाई पारे ये कथा मोदी ग्यारंटी आपणक पाखे देखेल। बंधु माने आमे ओडिया भाषा रे सरकारी कार्यक्रम हो बोली अनेक आंदोलन करिथिले अनेक बुद्धिजीवी। मु भावुची बीजेपी सरकार आसिला परे ये कार्यक्रम आरंभ हेछि। ओडिशा रे ओडिया भाषा रा विकास पई आमे 200 कोटी टंकार कर्पस फंड करिछे। आज आपण माने मु जदि आपण को ओडिशा रो 100 दिन रो सफलता गणेबी ताहले आपण माने भाबिबे 100 दिन रे कोने ए सरकार सतरे एते काम करि परिबो। हरियाणा विधानसभा निर्वाचन लागि आज बीजेपी घोषणा पत्र जारी करिछि। दल या को संकल्प पत्र रो नाम देछि। अवसर रे हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहिछंती जे एहा निर्वाचनी घोषणा पत्र नुहे। से आउरी कहिछंती आमे 5 वर्ष पूर्वे जनतांकु देइथिबा प्रतिश्रुति पूर्ण करिछु। तेबे बीजेपी ए संकल्प पत्र रे लाडो लक्ष्मी योजना रे प्रति महिलांकु प्रति मासरे 2100 टंका, सहर एवं ग्रामांचल रे 5 लक्ष घर, प्रति ग्राम रे ओलंपिक खेल नर्सरी प्रतिष्ठा करा जिवो। सेपरि समस्त सरकारी डाक्टरखाना रे डायलिसिस एवं समस्त डाक्टरखाना रे मागणा रे डायग्नोसिस करा जिवो। चिराग आयुष्मान योजना रे प्रति परिवार को 10 लक्ष एवं 70 वर्ष रु अधिक वयसर व्यक्ति को 5 लक्ष टंका रा मागणा चिकित्सा मिलिवो। प्रत्यक्ष संकल्प पत्र, ये सीरियस डॉक्यूमेंट कैसे बनता है? ये सीरियस डॉक्यूमेंट इस बात से बनता है कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, और जो कहेंगे वो पूरा करके देंगे, ये इस बात की गारंटी है। तभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। उसी तरीके से IMT खरखोदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से चिरायु आयुष्मान में जो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा, प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ 70 वर्ष से ऊपर के हमारे जो परिवार में लोग होंगे उनको अलग से परिवार के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। यदि एक हो दो हो उनको 5 लाख रुपए की व्यवस्था उनके लिए अलग से की जाएगी, ये व्यवस्था की जाएगी। MSP में 24 फसलों की
एमएसपी जारी रहेगी, उसको जारी रखेंगे। उसी तरीके से हम 2 लाख युवाओं को बिना खर्चे के और बिना पर्ची के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से गरीब का गांव का बेटा रोजगार लग सके, सरकारी नौकरी देने का काम 2 लाख लोगों को देंगे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से हम 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे और उसके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत मासिक रूप से मंथली उनको स्टाइपेंड उपलब्ध कराएंगे और उनको हम 5 लाख युवाओं को हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हम शहरी और ग्रामीण इलाके में 5 लाख आवास उपलब्ध कराएंगे, 5 लाख आवास बनेंगे शहरी और ग्रामीण में। जदि आपंक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।